ये लग तो ये देखिए आपके फेवरेट प्लेयर भी आ गए ये तो मतलब बाबर की दुआएं लेते जा जब तुझे पाकिस्तान बर्बाद मिले पाकिस्तान बांग्लादेश तुझे, तुझे इतना मारे कि <laughs> उसके बाद टेस्ट में तुझे हार मिले बांग्लादेश तुझे हराना जाए मतलब यार आप हर चीज में घुमा फिरा के बाबर की बेइज्जती क्यों करवा देते हैं मैं तो बस क्या तरीका है मैं तो बस ये जानने को कहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आई थिंक अभी फिलहाल लाहौर या पिंडी में इनका मुकाबला होने वाला कराची से शिफ्ट हो गया कराची में होने वाला अब राहुल पिंडी में शिफ्ट हो गया एक टेस्ट मैच इनका शिफ्ट बांग्लादेश के खिलाफेजेज में उसमें भी हम ये चौड़े मतलब कोई भी कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल सकता यहाँ पर कि पाकिस्तान जीत ही है मतलब तो चाहिए ये भी अगर यहाँ पे जीत पाए पाकिस्तान में सारी चीजें छोड़ छाड़ के जंगलों में चला जाना चाहिए क्या मैं जंगल में बैठूंगा बाबर छोड़े जंगल में कभी मुझे चीते आके चपेड़े मार रहे हैं कभी भालू मुझे आके नोच रहे हैं कभी हाथी अपने सूंड से दे थप्पड़ पे मतलब यही होना चाहिए फिर इसके बाद कोई वृक्ष से फल गिर गया तो मैंने खा लिया

खेलना ही भूल गए और जबकि इनको वहां पे जो उबर चला रहे थे पता नहीं चला रहे थे, जो उनके रहे थे हैं तो वो, तो वो, वो वो शायद उन्होंने में मैच ही कितना क्लोज था फिर लो निए लो निए नी तेरा पे चार थर्ड था सेकंड मैच था टेस्ट मैच थर्ड वो तीसरा था तीसरा वाला तो इतना क्लोज था ये जीत चुके थे कैच ड्रॉप इनकी फील्डिंग भी तो अच्छा बाबर ने भी तो, तो कैचेस बाबर ने छोड़ा था सैम अयूब ने कैच छोड़ा था सभी ने वहां पैथेटिक फील्डिंग की थी और फील्डिंग से हार गए थे भरोसा नहीं है गैटो रेडी है और इनके मैचेस भी शुरू हो रहे हालांकि पाकिस्तान के पास वे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डब्ल्यू फाइनल देखना चाह रहे हैं आप नहीं आएंगे ये नहीं आ पाएंगे ऑस्ट्रेलिया नंबर वन चल रहा है और नंबर टू पे ऑस्ट्रेलिया है हालांकि हमने वो सारा समीकरण निकाल लिया है अभी आपने बीजेटी खेलना है क्या समीकरण निकाल दिया है ये कैसे आएंगे बताइए <coughs> इनको किसके से से खेलना है बांग्लादेश बांग्लादेश दो मैच के? मैच के दो मैच मैच के ठीक जी इंग्लैंड जाएगा पाकिस्तान खेलने यहाँ तीन मैच इंग्लैंड पाकिस्तान में वो तो व्हाइट वॉश होंगे ये इंग्लैंड को हराएंगे आपका दिमाग ठीक है पिछली बार इंग्लैंड आया था तीन जीरो से हरा के गया था पागल हो गए क्या नहीं होगा इस बार

ये अकेला सौ मारेगा वहां से तीन लोग सौ मारे ये तो कप्तान भी नहीं है टेस्ट में मसूद है। मसूद है हो जाए क्या हो, शान मसूद। मसूद हो जाए मसूदा हो जाए जो मर्जी हो जाए ये नहीं जीत यार ये टेस्ट मैच कहा आपको लग रहा है कि जीतेंगे यार चलो मैं बता रहा हूं नौ टेस्ट मैच ना हो इनके पास नौ मैच चलो आपके हिसाब से अगर आप बोलते हैं चलो जीते समीकरण बता रहा हूं कितने मैच जीत जाएंगे इनको सात मैच जीत जाएंगे इनको खेलना है तीन दो पांच दो वेस्ट इंडीज से घर पे वो जीत सकते हैं दो बांग्लादेश से घर जीत सकते हैं और तीन इंग्लैंड से इंग्लैंड वाला नहीं जीतेंगे तीनों के तीनों हारेंगे ड्रॉ करा सकते हैं जीत नहीं सपाएंगे अगर वो एक जीत जाएंगे मैक्सिमम एक जीते मैं बहुत इनको बोल रहा हूँ एक जीत सकते हैं इनका ये है कि नौ बचे हुए नौ में से साउथ अफ्रीका दो तो भूल जाओ साउथ अफ्रीका में दो मैच है ये पांच मैच आपने गिराए मुझे दो वेस्ट इंडीज वाले दो बांग्लादेश वाले एक मैं आपको बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देखिए इंग्लैंड का एक मैच दे रहा हूँ हालांकि इंग्लैंड हारेगी नहीं मैक्सिमम ये ड्रॉ कर इंग्लैंड हराना पड़ेगा अगर इनको क्वालिफाई करना है अरे नहीं, अगर नहीं, है, नहीं।, नहीं हरा पाए, तो डब्ल्यू डी सी जीत जाए स्वागत कर रहे हैं हम तो बाबर और जितने भी हैं वहां पे अपना हम तो आपको ऑफर कर रहे हैं हमारे भी प्लेयर खिला लो तुम बस जीतो फाइनल में तो तो अच्छा आ जाओ हमारे साथ डब्ल्यू हम आराम से जीतेंगे तुम्हारे अगेंस्ट तो आओ तो सही आने वाले तो बनो भाई टेस्ट मैच में ऐसी कच्ची टीम मिल जाए हमें डब्लू फाइनल में और क्या चाहिए हमें लेकिन ये नहीं आ पाएंगे ये इंग्लैंड को नहीं हरा पाएंगे साउथ अफ्रीका को भी नहीं हरा पाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है वेस्ट इंडीज से हार जाए वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था याद रखना हाँ। तो ये इनकी जो हरकतें हैं टेस्ट मैचेस में ये वेस्ट इंडीज से भी आ जाते हैं पहली बात है बांग्लादेश को हरा के दिखा दो ऐसा ना हो कि बांग्लादेश से आपने जो सपने सुरा मुंगेरी डाल के देख रहे हो कि बांग्लादेश को हरा देंगे वेस्ट इंडीज को हरा देंगे इंग्लैंड को हरा देंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो जाएगा डब्ल्यू में कख होने वाला

अटकेलियों अभी पांचवे अभी अच्छा साउथ अफ्रीका कल जीती है तो पांचवे से छठे पे आ गई है पाकिस्तान की टीम लेकिन अभी भी चांस है वही चांस है लेकिन बड़ा मुश्किल है इंग्लैंड को नहीं हराया तो पाकिस्तान का खात्मा या पैकअप हो जाएगा इंग्लैंड अगर हार गई तो ठीक है वरना यह भी बाहर है और फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही मुस्ट निकली जो लॉर्ड्स में हम फाइनल की बात कर रहे हैं वही होगा चांस है सबसे ज्यादा उसी के इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा चांस है इंग्लैंड अगर पाकिस्तान को हराती है तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का भी चांस बनेगा क्योंकि इंग्लैंड के पास बहुत मैच है अभी श्रीलंका इंग्लैंड में खेलेगी फिर पाकिस्तान में जाकर अगर इंग्लैंड सीरीज जीत गई और फिर इंग्लैंड को खेलना है अपने घर न्यूजीलैंड से तो इंग्लैंड के पास भी अच्छा चांस है ऐसा नहीं कि इंग्लैंड बाहर हो गई है अभी पूरी तरीके से जी तो अगर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ठोक दिया तीन जीरो पाकिस्तान में फिर से इंग्लैंड का चांस बनेगा बहुत तगड़ा अगर ये लगातार जीत जाएंगे क्योंकि श्रीलंका कोई अपने घर पे न्यूजीलैंड से ये खेलेंगे न्यूजीलैंड में जाके वहां भी ये जीत सकते हैं एक दो मैच तो जीत ही सकते जी, कुछ ना होने वाला इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये कुछ ना हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही हो फिर से इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ने वाली ना इंडिया छोड़ने वाली है कोई नहीं अपना प्लेस छोड़ने वाला यही दोनों टीमें जाएंगी पाकिस्तान का कोई चांस ना